जिसने अपनी उंगलियों के इशारों पे लोगों पे मंशियात डाली, लोगों की बेटियों पे पर्चे कराए, लोगों की बहनों को जेल में डाला, अपने तमाम सियासी मुखालफीन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और खुद अपने करतूत ऐसे थे कि उसने ना सिर्फ चोरी की बल्कि चोरी की और ऊपर से सीना जोरी की। उस पर जो इल्ज़ाम था तोशाखाना की चोरी का, तहाइफ लेके उनको डिक्लेयर ना करने का, आपको पता होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदों पर ये बात लाजिम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपने गोशवारों में असासे जाहिर करने होते हैं। कोई भी चीज जो आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर ना करें वो मिस डेक्लेरेशन के जुमरे में आती है, और मिस डेक्लेरेशन करप्शन के जुमरे में आती है, और उस पर 3 साल कैद की सजा है और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा है। तो हम तो ये कह रहे थे कि ये ट्रायल 2 से 3 महीने का ट्रायल था जिसको 11 माह चलाया गया, बार बार हाजिरी माफी की जो दरखास्तें दी गई उनको मंजूर किया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपको कोई मुलजिम नहीं मिलेगा, कोई मुजरिम नहीं मिलेगा जिसकी हाजिरी माफी की दरखास्तें बार 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 मंजूर की गई हो और उसको मोहलत दी गई हो, उसको मौका दिया गया हो कि वो अपनी सफाई पेश करे, मगर उसने ताखीरी हरबे अपनाए हों। मिस डेक्लेरेशन साबित हुई, तोशाखाना के तहाइफ लिए गए, उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको ब्लैक मार्केट में फरोख किया गया, फरोख करके जो रकम मिली वो अपने अकाउंट में कुछ जमा कराई, कुछ खा गए और उसको भी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया। तो जो आज ऑर्डर आया है उसमें जज साहब ने जो अनाउंस किया है वो वाजे तौर पे अनाउंस किया है कि इमरान अहमद नियाजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। इमरान अहमद नियाजी के ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो साबित हुए हैं, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने ईमानदारी से अपने उदे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने गलत डेक्लेरेशन जमा कराई, असासे छुपाए, फॉल्स स्टेटमेंट्स जमा कराई, और इसके साथ साथ जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। और कितनी देर ये केसेस को ताखीर का शिकार करते, 11 माह से चलता हुआ केस कभी ना कभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। मैं समझता हूं कि जज दिलावर हुमायूं ने इनको बहुत मौके दिए, कोई और मुलजिम या मुजरिम होता तो इसके उसको इतने मौके ना मिलते कि हाजिरी माफी की दरखास्त भी मंजूर हो रही है, बार बार सफाई का मौका भी दिया जा रहा है, आपने 35 सवालों के जवाब भी दिए, साइन भी किया उसके ऊपर, फिर अदालत के ऊपर अदम एतमाद, अदालत से अदम तावुन, ये सारे वो बहाने थे जिनके जरिए इसको इस सजा से बचने के लिए इस मुकदमे को ताखीर का शिकार करना चाहते थे। अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, एक शख्स का तकब्बर टूटा है, उसका गरूर टूटा है, उसने जो इस मुल्क पर कौम पर जो जुल्म ढाए, जो उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अपनी तिजोरी भरी, उसने और उसकी अहलिया ने अरबों रुपया तोशाखाना से कमाया। और ये बड़ा क्लियर कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसकी शिक 137 के तहत इमरान नियाजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तके पाए गए हैं, असासे बनाए, असासे छुपाए, ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं ये लाजमी तौर पे डिक्लेयर करने होते हैं। और आप ये नहीं कर सकते कि आप लें और आप इनको बेचने, बार बार इनके वकला की तरफ से अदालत में इतराफ किया गया और इन्होंने हायर कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास तब था मौका जाने का जब ये फैसला आ जाता, इन्होंने वक्त से पहले आला अदालतों को भी आजमाया और आला अदालतों में भी गलत बयानियां की, स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, मगर एक मुकदमे को आप कितनी देर ताखीर का शिकार करेंगे। इमरान नियाजी आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है, उसने जो गैर कानूनी काम किए थे
उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सजा भुगतनी होगी। और मुझे अभी इतला मिली है कि इमरान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 साल कैद की सजा और 1 लाख जुर्माना जो सुनाया गया है ये सजा अब काटनी पड़ेगी। हाल दुहाइयां देने से उनके वकला अभी भी सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हो? ये बार बार आला अदालतों के दरवाजे खटखटाना, कोर्ट में खड़े होके कहना हमारी बात सुनी जाए, ट्रायल कोर्ट ने आपको इतने मौके दिए, पिछले 2 हफ्तों से ट्रायल कोर्ट इनका इंतजार कर रही है कि बादशाह सलामत कब आएंगे और आके अपनी बात करेंगे, मगर ये वो बंदा है जो कभी मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू नहीं करता, ये हमेशा टेक्निकल बुनियादों पे, तकनीकी बुनियादों पे अपना केस आगे लेकर चलता है कि मेरा, मुझे स्टे ऑर्डर मिल जाए, मुझे 4-5 महीने और मिल जाए, मैं सजा से बच जाऊं, मगर क्योंकि चोरी की थी वो साबित हुई है, नॉन डिक्लेरेशन साबित हुई है, करप्शन साबित हुई है, ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुकाते हैं कि उस मालिक ने, उस पाक परवरदिगार ने उस शख्स को उसका साज सर नीचा किया है कि जो रास्ते मदीना का दावा करके ये चोरियां करता था, मुस्लिम उम्मा का लीडर कहलवा के अपने आप को दोस्त ममालिक से आए तोहफे बेच देता था, उनके पैसे खा जाता था, ये उस पाक जात की मेहरबानी है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक तकब्बर वाला, गरूर वाला हुक्मरान जो दूसरों पे इल्जाम लगाता था, जो दूसरों को दीवार से लगाता था, जो दूसरों को जेलों में डालता था, जो दूसरों पर जुल्म करता था, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, उसकी चोरी भी साबित हुई, करप्शन भी साबित हुई, फ्रॉड भी साबित हुआ और अब उसको कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला एक एक पाई का इससे हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तारण साहब ये बताइएगा, ये सजा सुनाने के बाद क्या ये नाहली जो है 62F के तहत होगी और क्या मुद्दत 5 साल होगी कानून? जी बिल्कुल जी, जब आपको सजा हो जाती है तो मुद्दत उसकी 5 साल होगी और ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये 62F इस पर जो है वो लग गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है। सजा का एक ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है कि सादिक और अमीन नहीं रहे तो अब नॉमिनेशन पेपर जमा ही नहीं करा सकते ना, जहां कराएंगे फौरी रिजेक्ट होंगे। नहीं देखिए, अभी तक तो ये क्योंकि इस्लामाबाद के कोर्ट का ऑर्डर है, इस्लामाबाद में अडियाला जेल ही है, तो अभी देखते हैं जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, अल्लाह ताला का शुक्र है पूरे मुल्क में हालात पुरअमन है, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं है, कहीं कोई एहतजाज नहीं है, तो अभी तक जो हालात बड़े पुरअमन है, इस पे फैसला जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुशावरत के बाद किया जाए। अता साहब बताइएगा कि आप अभी ये फैसला आ चुका है तो अब जो पैसे, पहले 9 मई को एक वाकया हुआ था, क्या उस तरह के वाकयात के कोई खदशात हैं या नहीं? ये मेरे वकला भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आज अदालत में एक ही नारे की गूंज थी, मुग्या तेरा शो न्याजी गो न्याजी गो न्याजी। तो आज तो अदालत में भी उनके इतने वकील मौजूद नहीं थे जो उनके हक में नारेबाजी करते, आज पाकिस्तान के चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में गो न्याजी गो के नारे लगाए जाएं और ये मुल्क दुश्मन जिसने 9 मई के हमले किए इस पर मुकम्मल अदम एतमाद है, इसको मुस्तरद किया जाए। तो ये तो इंतजार में जज साहब रिटायर हो जाते, मैं बूढ़ा हो जाता, आप भी बहुत बूढ़े हो जाते, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको जितने मौके दिए गए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो नहीं दिए गए थे, किसी और मुलजिम को नहीं दिए जाते, तो मियाँ साहब सुरखरू हुए, बेगुनाह साबित हुए, उन्होंने एहतसाब का सामना भी किया, मगर ये बुजदिल आदमी है, मुनाफिक है, चोर है, करप्ट है, इसलिए अपनी बिल में छुपा बैठा था, अदालतों का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। बहुत शुक्रिया। तोशाखाना YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।